वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बवासीर शुरू होने से 2 महीने पहले के 10 लक्षणों के बारे में। सबसे पहला लक्षण क्या होता है कि लैट्रिन करने में आपको देरी लगती है। ये होता है कि नॉर्मल से लगभग आपको 5 से 10 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं। दूसरा ये होता है कि जब लैट्रिन आप करके आते हैं तो आपको पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि लैट्रिन करने के बाद भी आपको लगता है कि दोबारा से आपको लैट्रिन जाना होगा, क्योंकि आपका जो पेट है पूरी तरीके से साफ नहीं होता है। इसका कारण ये होता है कि जो आपकी लैट्रिन है वो सूख जाती है। इसी वजह से क्या होता है, एक बार में लैट्रिन पूरी तरीके से पास नहीं होती है और आपको दोबारा ऐसा महसूस होता है। उसके अलावा क्या होता है कि जो आपकी गैस है या जो पाद है आपका, उसमें ज़्यादा बदबू आती है। इसका कारण क्या होता है कि गैस जो होती है वो लैट्रिन को पास करते हुए, लैट्रिन के पास करते हुए उसके बाद गुदा से निकलती है, जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा बदबू आती है। उसके अलावा क्या होता है कि लैट्रिन की जगह पे मतलब गुदा में आपको पस वगैरह सा महसूस हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ लिक्विड वगैरह वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। जब ये लिक्विड क्या होता है, काफ़ी बार डिस्चार्ज होता है, काफ़ी बार आता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे क्या होता है आपको खुजली महसूस होती है और आपको बहुत ज़्यादा खुजली लगती है। साथ साथ में क्या होता है कि उसके बाद थोड़े समय बाद आप इसमें जलन सी महसूस होने लगती है, क्योंकि ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है। और उसके बाद क्या होता है, इसमें सूजन हो जाती है, क्योंकि जब आप उसको खुजला देते हैं या ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं तो उसमें सूजन हो जाती है और उसके बाद आपको उसमें दर्द महसूस होने लगता है। और यही जो चीज़ें होती हैं आगे चल के पाइल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। आप इनको इजिली पाइल्स होने से बचा सकते हैं, अपने आप को पाइल्स से बवासीर होने से, और इसको इजिली ठीक किया जा सकता है इस स्टेज तक। उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आप गुदा में क्रीम लगाएं दिन में 3 से 4 बार। कोई भी क्रीम, जैसे कि क्रीम एनोवेट नाम की आती है, शील्ड नाम की क्रीम या पाइलेक्स नाम की, ये मेडिकल स्टोर पे इजिली अवेलेबल होती हैं। इसको आप दिन में 3-4 बार लगाएं। आपको याद रखना है पहले गुदा को अच्छी तरीके से साफ़ करना है, पानी से धोना है, उसके बाद उसको सूखे कपड़े से साफ़ करना है, नरम कपड़े से, उसके बाद ये लगाना है, अच्छी तरीके से रगड़ कर इसको लगाना है। उसके साथ साथ में आपको क्या करना है, 8 से 10 गिलास रोज़ाना पानी पीना है, और हो सके गुनगुना पानी ज़्यादा पिए, ठंडी चीज़ों से बचें। साथ में यदि हो सके तो आप दिन में 2-3 बार जो है ना नींबू पानी पिए, इससे भी काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होगा और आपको पाइल्स होने से बचेंगे। साथ साथ में आप अधिक से फल सब्जियां खाएं, फल जैसे खाएं जो खट्टे हों, और सब्जियां पत्तेदार वाली खाएं, जिनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। साबुत अनाज खाएं, तला पदार्थ लिक्विड पदार्थ खूब खाएं, साथ साथ में ज़्यादा तला मसालेदार मैदा, ये ऐसी चीज़ें ना खाएं, मतलब समोसा बर्गर पिज़्ज़ा मोमोज चाउमीन वगैरह, इनसे बचें। साथ साथ में रेशेदार खाद्य पदार्थ मतलब फाइबर डाइट लें। फाइबर डाइट कौन सी होती है, जैसे कि फलों में केला है, संतरा है, सेब आम स्ट्रॉबेरी रसबेरी, ये जो भी खट्टे फल आपको मिलते हैं। उसके अलावा सब्जियां पालक गाजर शकरकंद फलियां वगैरह हैं, दाल हैं जैसे कि मटर राजमा सोयाबीन बादाम पिस्ता वगैरह भी आप खा सकते हैं। साबुत अनाज जैसे कि दलिया है ओट्स वगैरह, इनका इस्तेमाल करें। साथ साथ में लैट्रिन पास करने के दौरान लंबे समय तक ना बैठें, गुदा क्षेत्र पर ज़्यादा दबाव ना डालें, क्योंकि इससे क्या होगा कि अंदर की वेंस पर असर पड़ेगा। लैट्रिन करने में देरी ना करें, आपको जब भी लैट्रिन आ रही तुरंत जाएं, क्योंकि यदि आप नहीं जाएंगे तो लैट्रिन सूख जाएगी, आगे परेशानी होगी। साथ साथ में रोज़ाना आधे घंटे ज़रूर चलें, इससे क्या होगा कि आपके कोलोनिक मूवमेंट होगा और इससे आपकी कोलोन के लिए फ़ायदा होगा। साथ साथ में लंबे समय तक एक साथ ना बैठें। यदि आपकी जॉब बैठने की है तो आप क्या करें, अपनी चेयर के ऊपर सोफ़ा चेयर के ऊपर आप तकिया लगा सकते हैं, या हो सके तो सोफे वगैरह पे आप बैठें, इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। और उसके साथ में यदि आपको इन्फेक्शन है, जलन है, गुदा में सूजन है या दर्द वगैरह होता है, तो 5 से 15 मिनट तक नहाने से पहले गर्म पानी में बैठ जाएं, गुनगुने पानी में, इससे आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा और आपको पाइल्स होने से ये भी बचाएगा। यदि हम बात करें पाइल्स बवासीर होने के मुख्य कारण क्या होते हैं, तो पहला होता है ज़्यादा तला मसालेदार मैदा वाली चीज़ें खाना, जैसे कि मोमोज बर्गर पिज़्ज़ा चाउमीन वगैरह, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। साथ साथ में जिन व्यक्तियों का वज़न ज़्यादा होता है, जिनको ज़्यादा चिंता स्ट्रेस वगैरह रहती है, कुछ मेडिसिन जैसे कि आप एंटासिड वगैरह गैस की गोली रोज़ाना खाते हैं, उससे भी जो होता है लैट्रिन आपकी सूख जाती है। उसके बाद आयरन टेबलेट्स वगैरह, ये भी आपकी लैट्रिन को सुखा देती हैं। साथ साथ में बुढ़ापे में ऐसा होता है, या अगर प्रेगनेंसी के केसेस में वज़न बढ़ जाता है तब भी ऐसा होता है, या जिन लोगों की पुरानी कब्ज की समस्या वगैरह होती है तो इसकी वजह से भी क्या होता है, पाइल्स वगैरह बढ़ जाता है।
अभी भी हम बात करें कैसे पता करें कि पाइल्स है कि नहीं है, तो उसके लिए आप उंगली जो एनल के जरिए अंदर डालेंगे तो उससे आपको कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ दिखाई देगी, या फिर जब पाइल्स बढ़ जाते हैं तो खून वगैरह आता है उससे भी आप पता कर सकते हैं। यदि आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपके डॉक्टर सिग्मोइडोस्कोपी मतलब दूरबीन के जरिए इसकी जाँच करेंगे, जिससे क्या होगा कन्फर्म हो जाएगा आपको पाइल्स है कि नहीं है। तो पाइल्स की ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे दूसरे अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर। With this, thank you very much for watching.